तो पिछले दिनों मुझे एहसास हुआ कि बहुत ही सुंदर सा अगर एक डेकोर पीस बनाते हैं अपने कमरे के लिए तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो यहाँ पे रोजेस से बेटर और क्या ऑप्शन हो सकता था। तो यहाँ पर मैंने एक चॉइस किया ड्राइंग डिज़ाइन, जो है कैटल के अंदर जो है रोजेस रखे हुए हैं, जो ये हमारा पानी देने वाला कैटल होता है ना गार्डन के अंदर, वही यहाँ पर है। और हल्का सा उसके अंदर रस्टी वाला जो लुक है वो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है ये लिया है। तो राउंड कैनवस यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, स्ट्रेच कैनवस लिया है और साथ में यहाँ पर मैं एक्रेलिक पेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। तो आप भी डेफिनेटली इस पेंटिंग को ट्राई कर सकते हो। तो पहली चीज़, तो अगर ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर दिखाइएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत मैंने करी है केन को बेस कलर लगा के, और यहाँ पर मैंने एक्वा ग्रीन कलर यूज़ करा है, और डार्क टोन के लिए मैं यहाँ पर उसी कलर के अंदर ब्लू मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल ही बेस कलर के साथ यहाँ पर शुरुआत कर दी है। जब भी हम एक्रेलिक पेंट्स करते हैं हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बेस कलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली पेंट करना शुरू कर देते हैं, बेस कलर जो है वो नहीं लगाते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा मिस्टेक रहता है। तो शुरुआत जब करते हैं तो बेस कलर से करें और फिर लेयर वाइज उसके अंदर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए मैंने कैडमियम येलो यहाँ यूज़ करा है, आप चाहें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ड्राइंग है, सिंपल से रोजेस हैं, आप बना के मेरे साथ जो है बिल्कुल पेंट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं मुझे। चलिए तो बैकग्राउंड कर लेते हैं। यहाँ पर राउंड ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं, राउंड ब्रश का नंबर जो है मेरा 8 नंबर है, बहुत ही कंफर्टेबल नंबर रहता है। और पानी हमको बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पर एक सिंगल लेयर ही लगाएंगे। इन केस अगर आप पानी बहुत ज़्यादा लगा देते हो बैकग्राउंड में तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, आप फिर से रिपीट कर सकते हो लेयर्स को। ठीक है, ये जो ट्यूटोरियल है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, तो अगर आप बिगनर नहीं है तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रेच कैनवस जब हम काम करते हैं कॉर्नर्स को पेंट ज़रूर करना है, तो इस तरह से यहाँ पर हम कॉर्नर्स को भी यहाँ पर पेंट करते हैं। जो भी बैकग्राउंड का कलर होता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉर्नर्स को पेंट कर देते हैं। आप में से किसी ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कॉर्नर्स हम किस अकॉर्डिंग पेंट करते हैं, तो जब बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम कॉर्नर्स को पेंट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम व्हाइट कलर ले लेंगे सेम कलर के अंदर, और उससे हम थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड करेंगे हमारी कैटल में। कैटल में स्मूथनेस ऐड करने के बाद हम जो रस्टी लुक है वो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैटल रखे रखे जो है रस्ट लग चुका है उसमें, क्योंकि पानी रखा रहता है उसके अंदर, तो गार्डन में ही रहती है तो उस वजह से हल्का सा रस्ट लग गया है। तो रस्टी इफेक्ट देना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है इस पेंटिंग को। उसके लिए मैंने बर्न सियाना यूज़ करा है, राउंड ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर उसका रस्टी इफेक्ट दे देती हूँ। पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो वाटर को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को। अगर आप रियली में पेंटिंग सीखना चाहते हैं, 3-4 महीने में आप बिल्कुल प्रो होना चाहते हैं, तो आप मेरा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट बिगनर के लिए कोर्स बनाया हुआ है मैंने, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ मैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जानना चाह रहे हैं मुझे, तो मेरा नाम पूजा है और ये जो आर्टिस्ट पूजा हिंदी है ये हिंदी का आर्ट चैनल है, और मैं ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करिए व्हाट्सएप नंबर, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे एक व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर शेडो ऐड करेंगे, शेडो के लिए रोम्बर ही लेंगे हम। ठीक है, तो रस्टी लुक लगने के बाद कैटल का लुक देखिए कितना सुंदर हो गया। अब हम यहाँ पे फ्लावर्स बनाएंगे, फ्लावर बनाने के लिए वही राउंड ब्रश ही रखेंगे हम। कलर जो है मैंने यहाँ पर क्रिम्सन यूज करा है, आप चाहें दूसरे कलर्स के फ्लावर बनाना तो वो भी बना सकते हैं, टेक्निक सेम रहेगी। ब्रश जो है राउंड स्ट्रोक्स के अंदर लेके जाएंगे, और डार्क वैल्यूज का और लाइट वैल्यूज का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। तो बेस कलर जब आप लगाओगे रोजेस के लिए तो राउंड स्ट्रोक्स मिला घुमाते हुए यहाँ पर आपको लाइट जो है व्हाइट कलर लेना है साथ में, और उससे आपको राउंड स्ट्रोक्स के साथ यहाँ पर जो बेस शेड है रोजेस का वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, डार्क आएगा कहीं पर, कहीं पर लाइट आएगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई करिएगा। अगर रोजेस बनाने में जैसे दिक्कत आती है ना आपको, तो एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस कर सकते हो, रफ शीट के ऊपर रोजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपनी पेंटिंग के अंदर ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर डार्कर इफेक्ट और लाइटर इफेक्ट दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है मिड टोन्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, अभी हमने इसमें डार्कर टोन्स नहीं ऐड किए हैं। तो बेस कलर जो है हमारा क्रिम्सन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है लाइटर वैल्यूज इसमें ऐड कर देंगे। तो व्हाइट कलर जो है वो सबसे बेस्ट है लाइट कलर बना लाइटर वैल्यूज ऐड करने में।
कई बार हम क्रिम्सन के अंदर येलो भी यूज करते हैं उसको हल्का सा ऑरेंजिश लुक देने के लिए, बट यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर यहाँ पर यूज किया है जो रोजेस के अंदर लाइटर वैल्यूज ऐड करने के लिए। सेम पैटर्न से हम यहाँ पर जितने भी रोजेस हैं इस बुके में वो सभी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम देखिए ऐड करेंगे रोजेस को, और मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर आपको स्ट्रोक्स लेके जाने हैं वेव करते हुए राउंड ब्रश को, और फिर आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं रोजेस देखिए इस तरह से, और वाइट कलर भी लेते जाना है साथ साथ में। अभी हमको ब्रश को वॉश करने की जरूरत नहीं है, सेम ब्रश आप जो है रेड में भी डिप कर सकते हो और सेम ब्रश आप व्हाइट पे भी डिप कर सकते हो, इससे आपको मिडल वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर लाइट कलर का बेस लगाने के बाद इस वाले रोज के अंदर मैं हल्के से डार्कर वैल्यूज ऐड कर रही हूँ, है ना। तो है ना कितना सिंपल, है ना। रोजेस बनाने की प्रैक्टिस हमको सेपरेटली कर लेनी चाहिए। तो अभी तो वैसे भी अगर आप बच्चे हैं देख रहे हैं तब तो फिर छुट्टियां भी चल रही हैं, है ना, समर वेकेशंस। तो प्रैक्टिस करिएगा इस पेंटिंग की, और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो करिएगा और फिर मुझे आप टैग कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं हार्ट दे दूंगी आपकी पेंटिंग को इसका मतलब मैंने देख लिया है आपकी पेंटिंग को। तो एक बार जरूर आप इंस्टाग्राम पे अपना वर्क मुझे जरूर शेयर करिएगा, मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और आपने कितना करा है। चलिए अब हम यहाँ पर डार्कर वैल्यूज ऐड करते हैं। डार्कर वैल्यूज के लिए मैंने अपने क्रिम्सन कलर के अंदर जो मेरा क्रिम्सन रेड है, अब जैसे सपोज करिए आप में से कई जने बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो रेड कलर है ही नहीं क्रिम्सन रेड, तो मैं क्या करूँ। तो क्रिम्सन की जगह आप कोई भी पिंक कलर रेड कलर यूज कर सकते हो अगर आप रेड में ही जाना चाहते हो तो, ठीक है। डार्कर वैल्यूज जब हमको ऐड करनी है तो डार्कर वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्लैक ऐड किया, तो ब्लैक ऐड करते ही हमको वो जो है डार्क रिजल्ट्स मिल जाएंगे और डार्क वैल्यूज हमको मिल जाएगी। तो शेडोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर चीज में, तो यहाँ पर हल्के हल्के शेडोज के इफेक्ट्स हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से इफेक्ट ऐड करेंगे शेडोज के तो हमारे पास बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटिफुल यहाँ पर देखिए पेंटिंग जो है निकल के आने लग रही है, और जब फिनिशिंग आने लगता है पेंटिंग का तो पेंटिंग का जो लुक है वो हमको पता चलने लग जाता है। तो यहाँ पे पेंटिंग का लुक हमको देखिए पता चलने लग गया है। डार्कर वैल्यूज जो है राउंड ब्रश की हेल्प से ही ऐड कर रहे हैं हम। लास्ट में भी यहाँ पे एक दो पेटल्स हैं तो उसके अंदर भी हम यहाँ पे शेड्स ऐड करते हैं, वही लाइटर वैल्यूज और वही डार्कर वैल्यूज सेम कलर यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेंटिंग बन के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, रिजल्ट आपके सामने है। बनाइए और अपने समर वेकेशंस को एंजॉय करना ही है ना अपने आर्ट के साथ, तो जरूर बनाइएगा और दिखाइएगा मुझे। और यहाँ पे देखिए जब कैनवस बन के रेडी हो जाता है तो ऐसा लगता है, और वॉल पे लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम आए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।